भारत के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का पता चल गया है। कैरिबियाई देश एंटीगा और बारबुडा से हाल में फरार हुए भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पड़ोसी देश डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। वो क्यूबा भागने की तैयारी में था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एंटीगुआ ने उसे वापस नहीं लेने का फैसला किया है और डोमिनिका उसे भारत को सौंपने को राजी है। इस तरह चौकसी के भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है और जल्द ही उसे भारत को सौंपा जा सकता है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए की कर्ज जालसाजी मामले में वांटेड है। हालांकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के मुताबिक चौकसी को भारत को सौंप दिया जाएगा, लेकिन चलिए आज आपको मेहुल चौकसी से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। गहने के बड़े कारोबारी मेहुल चौकसी का जन्म 5 मई 1959 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने गुजरात के पालनपुर से हीरो की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी का मामा है। मेहुल गहनों के बड़े कारोबारी हैं और ज्वेलरी की दुनिया का बड़ा नाम है। उनकी कंपनी गीतांजलि का सालाना टर्नओवर करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। गीतांजलि का कारोबार देश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में भी फैला है। गीतांजलि दुनिया भर में हीरो का निर्यात करती है। 26 साल की उम्र में संभाला था काम। गीतांजलि कंपनी की स्थापना साल 1966 में सूरत में मेहुल चौकसी के पिता ने की थी। वो जाने माने कारोबारी थे और उन्होंने हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए ये कंपनी खोली थी। कंपनी का नाम मेहुल की दो बहनों गीता और अंजलि के नाम पर को मिलाकर रखा गया था। मात्र 26 साल की उम्र में मेहुल चौकसी ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर शुरू हुआ नाम और शोहरत का खेल। कई विदेशी कंपनियों को खरीदा। साल 2001 से 2005 के बीच गीतांजलि समूह ने नक्षत्र, अस्मी, डिडमास और संगनी ब्रांड नाम से बाजार में कदम रखे। 2006 से 2016 के बीच मेहुल चौकसी ने अमेरिका में रिटेल चेन रोजर्स एंड सैमुअल, इटली की गियानिटी, इटालिया डीआईटी और वेलेंटा ब्रांड खरीद लिया। मेहुल ने जब गीतांजलि को संभाला था तब टर्नओवर 50 करोड़ रुपए था। आज गीतांजलि का कुल कारोबार $2 अरब पहुँच चुका है। एंटीगुआ की ली नागरिकता। चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की जालसाजी की। नीरव मोदी लंदन में जेल में है और अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। चौकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए साल 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से फरार होकर वहां चला गया था। बैंक से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया था। चौकसी और नीरव दोनों सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। क्या है पीएनबी घोटाला? मामा मेहुल चौकसी ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से फर्जी गारंटी पत्र हासिल कर अन्य भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया। पीएनबी के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर नीरव मोदी की कंपनियों को फर्जी एलओयू जारी किए और ऐसा करते वक्त उन्होंने बैंक मैनेजमेंट को अंधेरे में रखा। इस सारी धोखाधड़ी से तब पर्दा हटा जब पंजाब नेशनल बैंक के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए। ईडी और सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चौकसी क्यूबा भागने की तैयारी में था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एंटीगा ने उसे वापस लेने का फैसला किया है और डोमिनिका उसे भारत को सौंपने को राजी है। इस तरह चौकसी के भारत आने का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है और जल्द ही उसे भारत को सौंप दिया जा सकता है। अब इंतजार बस इसी बात का है कि मेहुल चौकसी को भारत कब तक लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।